It's not about the body, it's about mind who push you to the extremes that you never could imagine. 1974 में मरीना नाम की एक लड़की एक्सपेरिमेंट करती है। इसमें वो एक टेबल के सामने अपने आंखों में पट्टी बांध के खड़ी रहती है और इस टेबल में वो 72 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रखती है। यहाँ रोज, फेदर और वाटर ग्लास जैसे प्लेजर वाले इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं और साथ ही में नाइफ, हैमर और रेजर ब्लेड और इवन गन जैसे पेन वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। टेबल पर मरीना एक नोट लिखती है कि वो एक ऑब्जेक्ट है और वो इस पोजीशन में अगले 6 घंटे तक खड़ी रहेगी और ऑडियंस के सभी लोग अपनी मर्जी से कोई भी पेन या प्लेजर वाला इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर यूज कर सकते हैं और वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। शुरू में तो लोग घबराते हैं और मरीना को रोज पकड़ा के चले जाते हैं या फिर उनका हाथ उठाते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है पूरी ऑडियंस बिल्कुल हवानों की तरह बिहेव करती है। कोई मरीना के कपड़े फाड़ देता है, कोई नाइफ से उनके गले में कट लगा देता है, इवन उन पर फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट भी होते हैं। एक आदमी तो उनके हाथ में रियल गन पकड़ा देता है और कहता है कि वो खुद को शूट कर ले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये लोग कोई अनपढ़ या गवार नहीं थे, बल्कि टोटली नॉर्मल और मोस्टली पढ़े लिखे लोग थे। लास्ट में मरीना की हालत कुछ ऐसी हो जाती है और वो रोते हुए ट्रॉमेटाइज होकर चली जाती है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रिदम जीरो और इसमें लोगों ने जो हैवानों की तरह बिहेव किया उसके काफी साइकोलॉजिकल रीजन है जो एक एक करके हम इस वीडियो में देखेंगे। इनमें सबसे पहला रीजन आता है डी इंडिविजुएशन। मेंटलिस्ट डेरेन ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने शो में ऑडियंस को बुलाया और उन सबको पहनने के लिए मास्क दे दिए ताकि सब लोग मास्क के पीछे अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। इसके बाद इन सब लोगों के हाथ में रिमोट दिए जाते हैं और इन्हें टीवी स्क्रीन पर एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत से हिडन कैमरास लगे हैं। उस रेस्टोरेंट में एक लड़का बैठा है जिसका नाम है क्रिस, और क्रिस के अलावा जितने भी लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं वो सारे पेड एक्टर्स हैं। अब ये जो सारी ऑडियंस के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिए गए हैं, ये अपने रिमोट कंट्रोल से ये डिसाइड कर सकती है कि क्रिस के साथ अच्छा होना चाहिए या बुरा। फॉर एग्जाम्पल, डेरेन ऑडियंस को कहता है कि मैं एक लड़की क्रिस के पास भेज रहा हूँ, आप लोग रिमोट कंट्रोल के बटन को प्रेस करके ये डिसाइड कर सकते हो कि वो लड़की क्रिस पर इल्जाम लगाए कि तुमने मुझे छुआ है, तुम कितने बदतमीज हो, या फिर बस क्रिस को हाय कहकर चली जाए। अब क्योंकि ऑडियंस मास्क के पीछे छुपी है तो मैक्सिमम ऑडियंस यही कहती है कि वो लड़की क्रिस को डांटे, और पूरे शो में ऐसा ही चलता रहता है। ऑडियंस को एक अच्छा ऑप्शन दिया जाता है और एक बुरा, और ऑडियंस हमेशा बुरा ऑप्शन ही चूज करती है। उन पर एक लड़की ड्रिंक गिराती है, एक लड़की का बॉयफ्रेंड क्रिस को डांट के गालियां देके चला जाता है, रेस्टोरेंट का मालिक क्रिस से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है जितना कि उन्होंने सामान खाया भी नहीं होता। जब क्रिस दूसरी दुकान में जाता है तो ऑडियंस चूज करती है कि उन पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए, और फाइनली ऑडियंस ये भी चूज करती है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर ले। बट इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट में जब ऑडियंस को ऑप्शन दिया जाता है कि इस रात क्रिस के साथ बहुत बुरा हुआ और ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, क्या हम क्रिस को सॉरी बोल के कैश प्राइज दे रहे या फिर उन्हें किडनैप करवा, तो इस बार भी ऑडियंस ये डिसाइड करती है कि क्रिस को किडनैप करना चाहिए। और क्रिस को किडनैप होते देखकर वो चिल्लाती भी है, खुश भी होती है, बट सडनली क्रिस के साथ ये हो जाता है। और ऑडियंस बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि उन्होंने क्रिस के साथ इतना बुरा कैसे कर दिया, उन्हें अब बुरा लगने लगता है। इसके कुछ देर के बाद डेरेन ऑडियंस को ये बताते हैं कि जो एक्सीडेंट क्लिप उनको दिखाई गई थी वो फेक थी और उसमें क्रिस की जगह एक स्टंटमैन को हायर किया गया था। डेरेन के अकॉर्डिंग मेन एक्सपेरिमेंट क्रिस के साथ नहीं बल्कि ऑडियंस के साथ हो रहा था, ये दिखाने के लिए कि किसी ग्रुप की आइडेंटिटी जब छुपा दी जाती है और उन्हें फ्रीडम दी जाती है कुछ भी करने की, तो वो हमेशा बुरी चीजें ही सिलेक्ट करती है। और ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था बल्कि ऑडियंस का हमेशा बुरा ऑप्शन ही चूज करने के पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसका नाम है डी इंडिविजुएशन, जिसका मतलब है कि लोग जब एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं और ग्रुप में इन्फ्लुएंस होके वो बुरे काम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एक्सपेरिमेंट में जब डेरेन ने ऑडियंस को मास्क दिया तो उनके पीछे की आइडेंटिटी छुप गई थी, और साथ ही में क्योंकि वो ग्रुप में बैठे थे तो इसीलिए उन्हें बुरे काम करने का मौका मिल गया, क्योंकि इन सारे बुरे कामों में कभी भी उनका स्पेसिफिक नाम सामने नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट आता है सिचुएशन इन्फ्लुएंस। ये वीडियो है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की, जिसे 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने कंडक्ट किया था। इसमें उन्होंने स्टैनफोर्ड के बेसमेंट में एक झूठा प्रिजन बिल्ड किया और 24 स्टूडेंट को उन्होंने सिलेक्ट किया, जिनमें आधे स्टूडेंट्स को रैंडमली प्रिजन गार्ड बना दिया और आधे स्टूडेंट्स को कैदी। इन स्टूडेंट्स को बस 2 हफ्ते तक एक्टिंग करनी थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट को 6 दिन में ही बंद करवाना पड़ा। इसमें जो 12 स्टूडेंट्स कैदी बने हुए थे उनको बिल्कुल रियल लाइफ की तरह उनके घर से अरेस्ट किया गया, उनको कैदियों वाले कपड़े पहनाए गए और उनको उनके सही नामों की जगह अलग अलग नंबर असाइन किए गए। फॉर एग्जाम्पल, कैदी नंबर 12, कैदी नंबर 13 एंड सो ऑन। जो स्टूडेंट्स गार्ड बने हुए थे उन्हें प्रॉपर यूनिफॉर्म, लाठी और सन ग्लासेस दिए गए और उन्हें इन प्रिजनर स्टूडेंट पर पूरा कंट्रोल दिया गया। बस उनसे ये कहा गया था कि इन कैदी स्टूडेंट्स को वो मार नहीं सकते और 1 घंटे से ज्यादा उन्हें अकेले कमरे में ना रखें।
शुरू में तो जो गार्ड थे वो प्रिजनर से नॉर्मल चीजें करवा रहे थे, जैसे कि वो उन्हें कह रहे थे कि अपने घर वालों को चिट्ठियां लिख दो, एक्सरसाइज करो एक्सेट्रा। बट सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद ये गार्ड अपनी पावर का मिसयूज करने लगे और प्रिजनर पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये स्टूडेंट जो गार्ड बने थे इन्होंने अपनी लाठी से प्रिजनर को मारना शुरू कर दिया, उन पर फायर एक्सटिंग्विशर से शूट किया, उन्हें सोने तक से रोका और इवन प्रिजनर स्टूडेंट के बेड तक उठाने लग गए। बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने प्रिजन सेल में एक बाल्टी रख दी और सब स्टूडेंट को फोर्स किया कि सारे के सारे बस इसी में यूरिनेट करेंगे, बेशक वो बाल्टी पूरी ही क्यों ना भर जाए। हालत इतनी खराब होगी कि कई प्रिजनर का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, जैसे कि तीसरे ही दिन प्रिजनर नंबर 8612 कंट्रोल से बाहर हो गए और इतना रोने और चिल्लाने लग गया कि प्रोफेसर जिम्बार्डो को उसे बाहर निकालना पड़ा। पांचवें दिन जब प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड इस एक्सपेरिमेंट को देखने आई तो वहाँ चल रहे सारे इन इवेंट्स को देख के वो शॉक्ड रह गए और प्रोफेसर के पास आके उसने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को भी बंद कर दो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फाइनली खराब सिचुएशन के चलते इस एक्सपेरिमेंट को 14 दिन के बजाय 6 दिन में ही बंद करना पड़ा। यहाँ कुछ ऐसा हो गया कि नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्हें गार्ड क्या बनाया गया वो अपने ही कॉलेज के साथियों को टॉर्चर करने लग गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो साथी प्रिजनर की एक्टिंग कर रहे थे। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन गार्ड का बिहेवियर इतना खराब हो गया था कि इस एक्सपेरिमेंट का कंपैरिजन लोग अबू गरीब प्रिजन से करने लग गए, जहां पर यूएस आर्मी इराकी प्रिजनर को टॉर्चर करती थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इस एक्सपेरिमेंट में जो टॉर्चर करने वाले लोग थे वो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स थे। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि अगर लोगों को पावर दी जाए तो वो कुछ ही दिनों में अपनी पावर का मिसयूज करने लग जाएंगे, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल पर उसके एनवायरनमेंट और सिचुएशन का काफी इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि जब स्टूडेंट को रियल जैसे प्रिजन के एनवायरनमेंट में रखा गया और उन्हें गार्ड वाली पावर दी गई तब वो इस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होके एक्चुअल में खुद को गार्ड समझने लग गए और अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरा बिहेव करने लग गए। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है बायस्टैंडर इफेक्ट। 1964 में किटी जेनोवीस नाम की इस लड़की को दिन दहाड़े मार दिया गया और ये मर्डर 37 लोगों की आंखों के सामने हुआ। इनफैक्ट इस इंसिडेंट में किटी को शुरू में अटैक करने के बाद मर्डरर वहां से चला गया था और 10 मिनट के बाद फिर से वहां पर वो वापस आया और इंजर्ड पड़ी हुई किटी पर चाकू से हमला किया और उसके पैसे लेके भाग गया। आसपास के लोगों ने सब देखा बट इनमें से किसी ने भी किटी की हेल्प नहीं की और लास्ट में उसकी डेथ हो गई। सब साइकोलॉजिस्ट इस बात पर परेशान थे कि 37 लोगों ने उनकी मदद क्यों नहीं करी, क्योंकि हैरानी की बात ये थी कि किटी को मारने वाला इंसान कोई बहुत शक्तिशाली इंसान नहीं था। तो इसकी वजह को समझने के लिए दो साइकोलॉजिस्ट डाले और लटाने ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट को इनवाइट किया और उन्हें अलग अलग रूम में बिठाया ताकि वो एक दूसरे को देख ना सके। इनमें से आधे स्टूडेंट्स को बताया गया कि वो एक एक करके एक दूसरे स्टूडेंट से बात करेंगे, जबकि बाकी आधे स्टूडेंट्स को बताया गया कि वो 5-6 स्टूडेंट्स मिलके दूसरे एक स्टूडेंट से बात करेंगे, बेशक वो सारे अलग कमरे में ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि रियलिटी में इन सारे स्टूडेंट को एक प्री रिकॉर्डेड आवाज सुनाई जा रही थी जिसमें एक स्टूडेंट उन्हें बता रहा था कि उसे एपिलेप्टिक सीजर आने की बीमारी है और फिर बात करते करते अचानक से उसे सीजर आ जाता है और वो अपने लिए हेल्प मांगने लगता है। रिसर्चर ने जब सारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया तो वो काफी शॉक्ड हो गए, क्योंकि हुआ यह था कि जिन स्टूडेंट्स को ये बताया गया था कि वो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उस एपिलेप्टिक सीजर वाले इंसान के साथ, उनमें से 85% लोगों ने अपने कमरे से बाहर निकल के कहा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसे सीजर आ रहे हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कहा गया था कि वो 5-6 लोग मिलके उस अकेले एपिलेप्टिक सीजर वाले इंसान की स्टोरी सुन रहे हैं, उनमें से सिर्फ 31% लोग बाहर आए और उन्होंने कहा कि उसे उस सीजर वाले इंसान की हेल्प करनी है। और ये ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है, जिसका मतलब है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कम से कम लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं तब चांसेस ज्यादा है कि वो वहाँ हेल्प करेंगे। और ये ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस था जिसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है, जिसका मतलब है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कम से कम लोग वहाँ प्रेजेंट हैं तब चांसेस ज्यादा है कि वो वहाँ हेल्प करेंगे। और इसके ठीक रिवर्स में जब ज्यादा लोग वहाँ होते हैं तो उनके हेल्प करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके दो रीजन है। फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब है कि ज्यादा लोगों के बीच नॉर्मल लोगों को लगता है कि मैं अकेले थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हूँ, जब बाकी लोग ही नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ। सेकेंड रीजन है प्लूरलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें लोगों को लगता है कि इतने लोगों में से अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा तो फिर हम पर्सनली हेल्प क्यों करें। इस बायस्टैंडर इफेक्ट को काउंटर करने का तरीका रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन में बताया है। रॉबर्ट का खुद एक बार रोड में एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने नोटिस किया कि बहुत से लोग आसपास खड़े हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन रॉबर्ट को बायस्टैंडर इफेक्ट के बारे में पता था, तो रॉबर्ट ने क्राउड में खड़े हुए 3 स्पेसिफिक लोगों से बात करी। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा, हाँ हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ जो आप ब्लू जैकेट वाले हो, प्लीज आके मेरी मदद करो। जब इस तरीके से उन्होंने लोगों को बुलाया तो वो एक्चुअल में रॉबर्ट की हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको भी कभी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो इस बायस्टैंडर इफेक्ट को मत भूलिएगा।
और इसी तरीके से आप भी हेल्प लोगों की मांग सकते हैं। मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप इन्फ्लुएंस बुक के बाकी कॉन्सेप्ट्स भी फ्री में पढ़ें। इसके लिए आप गीगल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसे इंस्टॉल करने पर आपको 40,147 रुपए वर्थ की ऑडियो बुक समरीज फ्री में मैं गिफ्ट करूंगा। अगर आप वो वाले इंसान है जो इंस्टाग्राम के बजाय अपनी नॉलेज में टाइम स्पेंड करते हैं, तो इस ऐप का लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट मेंट में दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अथॉरिटी इफेक्ट। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मनी के कई नाजी ऑफिसर पर कोर्ट केस चलाए गए। इन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ज्यूज के साथ बहुत बुरी हरकतें करी, इवन कि कई लोगों ने टॉर्चर करके इन्हें मारा भी था। कोर्ट केस के दौरान ज्यादातर ऑफिसर ने डिफेंस में यही कहा कि हमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि हमारे सुपीरियर ने हमें कहा था और हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। अब सवाल ये था कि नाजी ऑफिसर एक्चुअल में सच बोल रहे थे या झूठ। इसका जवाब ढूंढने के लिए साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्राम ने 1960s में एक एक्सपेरिमेंट किया। येल यूनिवर्सिटी में उन्होंने 40 पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और उन्हें एक टीचर का रोल दिया और उन्हें बताया कि उन्हें एज अ टीचर अपने स्टूडेंट को पनिश करना है ताकि वो जल्दी आंसर्स को याद करें। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट के साथ दो लोग थे, एक था कोई अथॉरिटी वाला इंसान जो इन पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स दे रहा था और दूसरे थे स्टूडेंट्स जिन्हें पार्टिसिपेंट को करंट देके पनिश करना था, लेकिन ये स्टूडेंट्स पेड एक्टर थे और एक्चुअल में इन्हें कोई करंट नहीं लग रहा था। अब इन लर्नर्स को जो कि पेड एक्टर्स थे, इन्हें एक चेयर में बिठाया गया और तारों से स्ट्रैप कर दिया और इन टीचर्स को कहा गया कि ये तुम्हारे पास करंट है जो कि 15 से 450 वोल्ट का है। अब तुम इन स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछो और जैसे जैसे इन्हें आंसर नहीं आएंगे तुम वोल्टेज को बढ़ाते रहना। एक्सपेरिमेंट में जो स्टूडेंट थे वो जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे और शॉक लगने की एक्टिंग कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में जब भी पार्टिसिपेंट को शॉक देने से पहले कोई डाउट फील होता कि यार इतना ज्यादा करंट दूं कि नहीं दूं, तो अपने वो सामने वाले अथॉरिटी फिगर को देखता और इस पर वो अथॉरिटी वाला इंसान कहता, हां करंट दो, इसी से तो वो जल्दी सीखेगा। यहां पर सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि स्टूडेंट अगर चिल्ला भी रहे थे तो भी पार्टिसिपेंट उन्हें ज्यादा वोल्टेजेस का करंट दे ही रहा था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि जो 65% पार्टिसिपेंट थे वो वोल्टेज लेवल को 450 वोल्ट तक लेके गए थे और ये इतना ज्यादा वोल्टेज लेवल है कि इस पर किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है और ये चीज इन पार्टिसिपेंट्स को पहले ही बताई गई थी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मिलग्राम ने ये कंक्लूड किया कि किसी एक अथॉरिटी फिगर के इन्फ्लुएंस में कोई भी एक आम इंसान बुरे से बुरा काम कर सकता है, यहां तक कि किसी इनोसेंट आदमी की जान भी ले सकता है। मिलग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से ये बताया जाता है कि ये अथॉरिटी फिगर है। फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर है, अपना बिना दिमाग लगाए ये जो रेकमेंड कर रहा है वो दवाई खा लो। ये वकील है, अपना बिना दिमाग लगाए ये जो कागज दे रहा है उस पे साइन कर दो। और फाइनली हम एक डॉग की तरह ऐसे ट्रेन हो जाते हैं कि किसी भी अथॉरिटी फिगर की एक्चुअल में बात मानने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑनलाइन डिस इनहिबिशन इफेक्ट। ये वीडियो है 15 साल की एक कैनेडियन लड़की अमेंडा टॉड की, जो बैनर्स के थ्रू ये बता रही है कि कैसे उनके साथ ऑनलाइन लोग बहुत मिसबिहेव करते हैं, बुली करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इवन सेक्सुअली हरासमेंट के कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रॉमा हो गया है। इस वीडियो के पोस्ट होने के ठीक एक महीने के बाद अक्टूबर 10, 2012 को अमेंडा तंग आकर कर लेती है। अमेंडा की ऑनलाइन बुलिंग कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो भी लोग ऑनलाइन अमेंडा के साथ ऐसी ऐसी कमेंट्स कर रहे थे वो सारे के सारे लोग उनके क्लासमेट थे जो रियल लाइफ में ऐसा कभी बिहेव नहीं करते। और ऐसे ऑनलाइन साइबर बुलिंग सिर्फ कनाडा में नहीं बल्कि इंडिया में भी होते हैं। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2018 से 2019 के बीच सिर्फ एक साल में साइबर बुलिंग 64% के रेट से बढ़ी है और दिल्ली में हो एक सर्वे के अकॉर्डिंग इवन स्कूल में जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी ऑनलाइन एक दूसरे की बुलिंग करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इसके पीछे का रीजन है सोशल डिसइनहिबिशन इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट जॉन सूलर के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसे लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन की जगह जब ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं तब वो खुद को ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्पेस इनविजिबल होता है, ना तो वो सामने वाले के रिस्पांस को देख सकते हैं, ना ही उन पर बातों का इमीडिएट रिस्पांस देने का प्रेशर होता है, ना ही कमेंट करने के बाद अगर दूसरा इंसान रिस्पॉन्ड करता है तो उन्हें वापस रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों का इविल नेचर बाहर आने लगता है। जैसे कि इस टीवी शो पर जब इस ऑनलाइन ट्रॉलर को उस एक्टर के सामने लाया गया जिसे वो सोशल मीडिया में गालियां दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, तो वो फेस टू फेस उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था और ऑलमोस्ट डरकर रोने ही वाला था। ऐसा इसलिए हुआ कि ये इंसान जब ऑनलाइन था तो ये सोशल डिसइनहिबिशन इफेक्ट के इन्फ्लुएंस में था, बट यहाँ रियल लाइफ इंटरेक्शन में उसकी रियल पर्सनालिटी सामने आ रही थी जिसमें उसकी हिम्मत ही नहीं थी फेस टू फेस सिचुएशन में उस एक्टर को ट्रॉल करने की। तो इस वीडियो में हमने टोटल 5 साइकोलॉजिकल रीजन देखे जिसकी वजह से एक आदमी बुरा काम कर सकता है। इसका पहला रीजन है डी इंडिविजुएशन इफेक्ट, जिसमें लोगों को लगता है कि मैं भीड़ में हूं तो मैं बुरा कर सकता हूं। सेकंड था सिचुएशन इन्फ्लुएंस, जिसमें हमने स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कैसे बिहेव करते हैं। जैसे स्टूडेंट को जब गार्ड बनाया गया तो वो अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट पर अत्याचार करने लग गए।
थर्ड था बाईस्टैंडर इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि लोग भीड़ में बस देखते हैं कि दूसरा ही हेल्प करेगा, हमारे अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। फोर्थ था अथॉरिटी इफेक्ट, यानी जब कोई अथॉरिटी फिगर हमें कुछ गलत करने के लिए बोलती है तो हम उसकी बात को फॉलो करने लगते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और फाइनली फिफ्थ था ऑनलाइन डिस इनहिबिशन इफेक्ट, यानी लोगों की दो पर्सनैलिटी है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन वो अपना इविल रूप दिखाते हैं जबकि असली लाइफ में बेशक वो ऐसा कुछ ना कर सके। इस वीडियो में हमारी मेन लर्निंग ये है कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें और खुद जब ऐसे किसी इन्फ्लुएंस की वजह से हम गलत काम करने लगे तो खुद को हम रोक लें। वैसे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने कभी ऐसा काम किया है या किसी को करते हुए देखा है इन साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।